भाई पिछले वीडियो की दो पार्ट के अंदर हमने ये जाना कि आखिर पंखे कैसे चेक किए जाते हैं, उनके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि आने वाली और आगे की वीडियोस के अंदर मैं आपको बता दूंगा, उनकी जानकारी देता रहूंगा। लेकिन हमें उनके अंदर ये पता चला कि एक पंखे की बैरिंग खराब है, जिसके बैरिंग जाम है हो रखा था बहुत बुरी तरह से, और उसका कंडेंसर भी चेंज कर देना चाहिए। जब आप बैरिंग चेंज करते हैं तो उसका कंडेंसर चेंज कर देना चाहिए, हम लोगों ने ये चीज जाना। ठीक है, अब बारी आती है कि उनकी रिपेयरिंग करनी है। उस वीडियो के अंदर तो हमने ये जान लिया था कि इसके अंदर क्या खराब है, अब बारी आती है कि उसकी रिपेयरिंग करना है हमें। तो रिपेयरिंग दोस्तों आज हम सबसे पहले पंखे की करने वाले हैं, जिसकी की बैरिंग चेंज करनी है, कंडेंसर चेंज करना है उसका। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले आज बैरिंग चेंज करेंगे, उसके बाद इससे जो आगे वाली वीडियो आएगी उसके अंदर हम दोनों पंखों की मशीन के द्वारा वाइंडिंग करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, और हमारे एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो फ्रेंड्स यही है वो पंखा हमारा जो कि जाम है, इसका आप देख सकते हैं, इसका नट कट करके इसकी बैरिंग के अंदर गया हुआ है, ये जंग इसका बुरादा है, ये आप देखेंगे ये बुरादा है, ये कट करके नट को ये बैरिंग के अंदर चला गया है। और सर्दियों के अंदर ये पंखा बंद होने की वजह से अभी इस समय ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं पूरा नीचे की बॉडी इसकी पूरी घूम रही है, इतना जाम हो रखा है। ठीक है, तो आज इसी को हम ठीक करने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप लोग बैरिंग चेंज करते हैं किसी भी पंखे का, तो उसका कंडेंसर आप जरूर चेंज कर दें। ठीक है, क्योंकि बैरिंग जाम होने की वजह से कंडेंसर के ऊपर सीधे, क्योंकि कंडेंसर को ही हमारी पंखे को स्टार्ट करना होता है, तो कंडेंसर अक्सर वीक हो जाया करते हैं। तो आप लोग 30-40 रुपए का मोह ना करके आप कंडेंसर सीधे इसका चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपके पंखे की स्पीड जैसी होनी चाहिए वैसी ही रहेगी। और एक बात और दोस्तों कि बैरिंग चेंज करते समय आपको कस्टमर को अपने पास बिठा करके ज़रूर रख लेना चाहिए। मैंने इस पंखे के कस्टमर को अपने पास नहीं बिठाया है, इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि उनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और एक तरह से अपने घर वाले ही बात है, इसलिए हम उनका पंखा बिना उनके बैठाए भी चेक करूँगा, जो मैं उनको बताऊँगा वो मेरी बात मान लेंगे। अभी कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसकी जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग ख़राब ना होने पाए, उसका पेपर झड़ने ना पाए। अगर इसका पेपर प्लास्टिक का होगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ हद तक तो झड़ेगा ही, हो सकता है पूरा ही झड़ जाए तो इसकी वाइंडिंग करनी पड़ जाएगी अगर वो पूरा झड़ गया तो। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी, और अगर कागज़ का होगा तो वो कम झड़ता है, कागज़ वाले पेपर जो होते हैं 7 mm के वो कम झड़ते हैं, वो गर्म हो जाए तो भी वो सही सलामत रहते हैं, वायरिंग उसके अंदर आसानी हो जाती है चेंज करने की। ठीक है, तो इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी वाइंडिंग ख़राब ना हो, वाइंडिंग ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों इसकी बैरिंग चेंज करते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स अपने पास ज़रूर रखने चाहिए तो मैं आपको उसको भी एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको सीरीज लैंप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एक प्लास होना चाहिए, एक हथौड़ी होना चाहिए, ये बैरिंग निकालने का पुलर है। अगर आप दुकानदार हैं तो आप बैरिंग निकालने का इस तरह का पुलर अपने पास ज़रूर रखिए, और एक नीचे की बैरिंग जो अंदर की बैरिंग होती है उसको निकालने के लिए इस टाइप का पुलर आता है, इसको भी आप अपने पास रखें। और पंखा खोलने के लिए आपको दो पेचकस रखना है, टेस्टर आपको एक ही रखना है, टेप भी आपको रखना पड़ेगा, और एक मेन बोर्ड या पैनल हो आपका जिसके अंदर सीरीज वगैरह हो, डायरेक्ट चेक करने के लिए इस तरह का बोर्ड हो, और नहीं तो सीरीज से भी आप चेक कर सकते हैं। जब ये फ्री हो जाएगा तो सीरीज से ये पूरे राउंड में घूमने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसकी बैरिंग को चेंज करते हैं, इसके पंखे को खोल देते हैं अब। चलिए दोस्तों इसके पंखे को तो हमने चेक कर लिया है कि इसके अंदर क्या खराब है पिछली वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा था। तो अब इसको हम दोबारा से चेक नहीं करेंगे, इसको हम फटाफट से इसके तीनों पेचों को हम खोल लेंगे। तो तीनों पेचो हमारे खुल गए हैं, और आप देखेंगे इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, और ये अपने आप लगभग कुछ हद तक ये अपने आप ही खुल गया है, इस तरह से ये देख सकते हैं आप। इसमें भी जिस पे स्प्रिंग लगी होती है उसके सीट वैसे अपने आप ऊपर आ जाती है, इसमें हमें खोलने में पेचकस लगा करके इस तरह से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। फिर भी अगर थोड़ा बहुत टाइट हो तो आप इस तरह से उठा करके इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वाइंडिंग जो है इसके पेपर प्लास्टिक के ही हैं, अगर आप देखेंगे तो देखिए ये पेपर जो है इसके प्लास्टिक के ही हैं, लेकिन झड़ भी रहे हैं ये। इसको हम बहुत सावधानी से इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि ये पेपर दोबारा से हमें मतलब वाइंडिंग इसकी ना करनी पड़े। तो कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं, बैरिंग दोस्तों अगर देखा जाए तो बैरिंग इसकी नीचे वाली कुछ हद तक ठीक है, आप देखेंगे इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से उंगली रख के अब इसको हल्का से ऐसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे ये वाली बैरिंग कुछ हद तक ठीक है, ग्रीस करके चल सकती है। लेकिन जब आप पंखे की बैरिंग चेंज करेंगे तो आपको दोनों ही बैरिंग चेंज कर देनी है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं साइड में और इसको देखते हैं, ये वाली बहुत ज़्यादा जाम है, आप देखेंगे ये बिल्कुल ही जाम है। तो इसको खोल करके इसको सबसे पहले निकालेंगे हम, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बैरिंग को कैसे निकालना है। पहले इसके
बॉडी को और स्टैम्पिंग को इसको अलग कर लेना होगा हमें। दोस्तों ये स्टेटर बोलते हैं इसको, और ऊपर का कवर है ये और ये नीचे का कवर है, ठीक है, ये निकल गया। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि हमारा ये पेपर, अगर हम इसके ऊपर चोट मारेंगे तो इसका पेपर जो है कि झड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से इसकी वाइंडिंग को पकड़ना, बाइंडिंग के ऊपर चोट नहीं लगनी चाहिए। अब हमें चोट कहाँ मारना है, हमें इसके ऊपर चोट मारना है, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे करने के बाद में ये इसकी बैरिंग निकल जाएगा नीचे से, इसका बचना मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये निकल नहीं रहा है, बहुत बुरी तरह से जाम है ये। दोस्तों बैरिंग अगर जाम हो रखी है, इस तरह से जंग लगा हुआ है उसके, आपको लगता है कि इसके अंदर जंग लगा हुआ है, तो आपको एक काम करना है, इसका बैरिंग निकालना है कि स्प्रे आता है, अगर वो स्प्रे डाल देंगे इसके ऊपर में तो ये नरम हो जाता है, क्योंकि इतनी ताकत जितना लगाना पड़ रहा है इतना नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे पास वो स्प्रे नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही निकालूंगा। बैरिंग निकालने के लिए दोस्तों आप इस तरह का कोई भी सापट ले सकते हैं, मैंने ड्रिल का ये बिट लिया है जिसका आगे से धार खराब हो रखी है, इसको इस सुराख के अंदर बैरिंग के सीधे ऊपर आप लगा करके इसको मारेंगे तो आपका ये बैरिंग निकल के बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं इसमें धार नहीं था इसलिए मैंने इसको रख करके मारा है इसके ऊपर, तो ये नहीं तो इसमें छेद हो जाता, ठीक है, इसमें धार नहीं था, अगर धार होता तो इसमें छेद हो जाता। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी लोहे का स्पेयर पार्ट्स ले लीजिए, उसको यहाँ पे रख करके मारना है आपको, देखिए इसके सुराग में से पार करके इधर मारना है, तब तो आपकी बैरिंग ये छोड़ देगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये दूरी पड़ रही थी इसलिए ये निकल नहीं रहा था। तो दोस्तों एक बात और कि ये लोहे की है, ठीक है, ये जो है ये जो मेटल है ये लोहे का मेटल है, ये मतलब एक कास्टिंग है, ठीक है, तो कास्टिंग के ऊपर तो हम चोट मार सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ये बॉडी अगर एल्युमिनियम की है तो आपको इधर पे चोट नहीं मारना है, इस तरह पे चोट मारेंगे तो इसके ये हिस्सा ये टूट जाता है, ठीक है, आपको उस टाइम में ऐसा नहीं मारना है कि ये टूट जाए, यहाँ पे नहीं मारना है, आपको ये वाला तरीके का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और हो सके तो आप इधर मारने के बजाय आप डायरेक्ट इसी पे मारेंगे तो आपका ये जल्दी से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। दोस्तों अब दूसरी बात देखिए कि इसका जो हमने निकाल तो लिया इसको, लेकिन अब हमें सबसे पहले इसको हमें बैरिंग चेंज करने से पहले हमें इसके अंदर ये देखना होगा कि इसके अंदर करंट तो नहीं आ गया, क्योंकि इसके पेपर ठोकने के दौरान कुछ हद तक देख सकते हैं आप ये झड़ गए हैं, ठीक है, और इसके अंदर से देखिए ये बॉडीज के साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं अटैच भी हो सकता है, तो इसको आपको करंट जरूर चेक कर लेना है इसका, ठीक है, इस तरह से आप इसका करंट चेक कर लेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा, तब जाके आपको इसकी फिटिंग करनी है, तब जाके इसका बैरिंग आपको डालना है, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर करंट है कि नहीं है। तो हमारा सीरीज ये काम कर रहा है और इसके हम पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी इसकी ठीक है, देख सकते हैं कंटिन्यूटी इसकी ठीक है, और इसका करंट देखते हैं, करंट फ्रेंड्स अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, करंट अभी इसके अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि इसका पेपर तो काफ़ी हद तक झड़ गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है, तो इसको हम सावधानी के साथ में इसकी बैरिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे अगर आप देख पाएँ, देखिए इस जगह पे पेपर जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए वैसे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, वैसे ये चलते चलते इसके अंदर करंट आ सकता है, लेकिन कस्टमर का काम चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो बाद में हम इसकी फिर वाइंडिंग के भी पैसे ले लेंगे इनसे। तो आपको इस तरह से काम करना है, अगर इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है तो इसकी हम बैरिंग को आराम से निकालेंगे, फिर भी अभी तक आराम से कोशिश करेंगे इसको निकालने की, जब फूक जाएगा जबकि जब देखेंगे। ऊपर की बैरिंग निकालने के लिए दोस्तों इस पुलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको खोल लेंगे, पहले इस तरह से रखेंगे, और नीचे से पकड़ना है, जब ऐसे आप इसको इस तरह से पुलर को फंसाना है, और यहां से इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, और इसको इस तरह से कसेंगे तो ये बैरिंग हमारी ऊपर आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। दोस्तों इस बैरिंग को निकालने का एक तरीका और होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें बड़ी सी छैनी लेकर के इसके जहाँ पे हमने इस पुलर को फंसा रखा है बैरिंग में वहाँ पे मारना होता है, तो वो निकल जाते हैं, वो उससे भी बैरिंग निकल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर वही बात है कि चोट लगेगा पंखे में तो वो पेपर इसके झड़ेंगे, इसलिए अगर आप पुलर ले लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके पेपर कुछ हद तक बच जाएंगे, करंट आने से आपकी मोटर में पेपर नहीं झड़ेंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये बैरिंग निकल गई है, ये दो नंबर की बैरिंग है दोस्तों, आजकल जो पंखे आ रहे हैं उनके अंदर दो नंबर की बैरिंग ही होती है, ठीक है, तो ये दो नंबर की बैरिंग है, इसको हम नया चेंज करेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल ही जाम है ये पूरा, ये घूम नहीं रही, बिल्कुल ही नीचे से घूम रही है, बिल्कुल जाम हो रखा है, खराब हो रखा है, देखिए कैसी हालत हो रखी है इसकी, देख सकते हैं आप,
चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब बारी आती है दूसरे पुलर का इस्तेमाल करने की और इस बैरिंग को निकालने की। ठीक है, इसके बैरिंग के लिए दोस्तों नीचे में कई बार एक नंबर की बैरिंग भी होती है, दो नंबर की भी होती है और अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से बैरिंग इसके अंदर लगाती हैं। इसके अंदर एक नंबर की बैरिंग है और हमारा ये जो पुलर है दोस्तों ये एक नंबर का होता है और दो नंबर का होता है। ठीक है, इन्हें दो का होता है ये। इसको कैसे निकालते हैं, इस पुलर का इस्तेमाल आपको सबसे पहले इसको पीछे कर लेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि पतले वाला है तो ये पतले वाले साइड से हम दो एक नंबर की बैरिंग को निकालेंगे। और उससे पहले ये कटोरी सी है, इसमें इसको हम यहाँ पर रखेंगे और ये जो हिस्सा है बैरिंग के अंदर जा करके फंसता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रखेंगे, उसके बाद हम इसे रखेंगे। आज आप पुलर का इस्तेमाल करना भी सीख लीजिए। और उसके बाद हमें इसके बीच में, देखिए फटा हुआ है ये, इसके बीच में हमें इसको डालना होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरा डाल देंगे और जब तक डालेंगे तब तक ये सुराग आपका यहाँ पे, इसका ये सुराग है, इसके अंदर आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये सुराग है, इसके साथ में मिल जाना चाहिए, इसके साथ में ये सुराग मिल जाना चाहिए वहाँ पे जा करके। ठीक है, तभी ये बैरिंग निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। थोड़ा सा ठोकेंगे, देख सकते हैं इसका सुराग मिल गया है, आर पार दिख रहा होगा आपको, देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये कोई पेचकस या कोई भी लोहा इस तरह का फंसा करके इसको हम इस तरह को घुमाएंगे। ये नट है, इसको नट को हमें कसना है कुल मिला के। ठीक है, नट को कस देंगे तो ये बैरिंग हमारी आ जाएगी सीधे ऊपर। और ये बैरिंग कई लोग बहुत सारे जुगाड़ बताते हैं कि इसके अंदर मोमबत्ती भर करके इसको आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप काम कर रहे हैं तो औजार टूल्स रख लीजिए, हैं, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं, रोज़ आप जुगाड़ करके उसको ठोकने में लगे रहेंगे तो वो तो मुझे नहीं लगता सही है। जब काम करना है तो बढ़िया से कीजिए। देखिए कितनी आसानी से निकल गए दोनों बैरिंग हमारे, कितनी आसानी से निकल गए। अब बारी आती है दोस्तों इनको लगाने की, इन बैरिंगों को लगाने की। बैरिंग आप दोस्तों सस्ते वाली बैरिंग मत लीजिए, एक बैरिंग आती है 20-25 रुपए की, वो मत लीजिए। बैरिंग आप लगाइए कम से कम दो, एक नंबर की बैरिंग आपको मिलेगी मार्केट में 40 रुपए के आसपास या 35 से 40 के बीच में मिलेगी, 60-70 रुपए का दोनों सेट मिलता है। ठीक है, वो आप लोग बैरिंग लगाया करो। दोस्तों हमने दो बैरिंग ले लिया है, एक एक नंबर की है और एक दो नंबर की है। ठीक है, तो ये दोनों बैरिंग नए हैं और ये कम से कम मैं 70 रुपए का ये सेट लेकर के आया था, अलग अलग कंपनी की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्ते वाली बैरिंग आप लोग मत लगाया करो। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे लगाना है बैरिंग को, नीचे वाली बैरिंग को तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही ठोक लेना है। ठीक है, ऊपर से आप इस तरह से रख करके इसको आप ऐसे ठोक लीजिए। दोस्तों इसके अंदर बैरिंग के अंदर आपको ग्रीस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी जो भी होती है जो बैरिंग बनाती है वो ग्रीस इसके अंदर ऑलरेडी जितना इसमें होना चाहिए वो डाल करके इसके अंदर ग्रीस देती है। तो हमारा ये नीचे वाली बैरिंग लग गई है। ठीक है, और ऊपर वाली बैरिंग को भी हम कैसे लगाएंगे, हमें ऊपर वाली की बैरिंग को दोस्तों इसी के सापट के अंदर ही ठोक लेना है। ठीक है, इस सापट के अंदर ही हम इसको ठोक लेंगे। और दोस्तों क्योंकि इसका पेपर, आपने देखा कि इसका पेपर प्लास्टिक का है और वो झड़ा हुआ है, तो कोशिश ये करना है कि बहुत ही सावधानी से इसको निकालना है और बहुत ही सावधानी से इसको ठोकना भी है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगा लेंगे जो कि आराम से फिर ठुक जाएगा ये, या तो मोबिल ऑयल लगा लेंगे या तो थोड़ा सा हम इस पर ग्रीस लगा लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे तो ये सॉफ्टली इसके अंदर चला जाएगा। चलिए अब इसको ठोकने के लिए हमें इसको इस तरह से इसके एक पाइप रख करके इसको ठोकना है। फिर देखिए इस तरह का पाइप ले लीजिए आप, ये नॉर्मल जो टूटी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है वही पाइप है ये। ठीक है, हार्डवेयर से आपको मिल जाएगा, उसको कटवा करके आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रखना है और आपको ऐसे इसको ठोकना है, इसमें हल्के हल्के ठोकना होता है। देखिए अभी ठुक गया आराम से नीचे हमारा। ठीक है, देख सकते हैं ठुक गया ये, और अब इसको हम वापस से इसमें फिट कर देंगे जैसे हमने इसको निकाला था वैसे हमें फिट कर देना है। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये टाइट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा लूज जाएगा तभी ये इसका पेपर जो झड़ा हुआ है प्लास्टिक का पेपर है वो बच पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लगा लेंगे इसमें। और आपको इसके ऊपर कोशिश करो कि चोट ना मारना पड़े, तो आप इसको क्या करो ऐसे इस तरह से दबाओ इसको। ठीक है, दबाने से भी ये चला जाता है, और जब नहीं जाता है दबाने से तो आपको इस पे हल्का हल्का चोट मार देना है। देख सकते हैं ये आ गया है बराबर इसके, और ये पूरा बराबर आया है कि नहीं, तो आपका ये जो रूटर है स्टैंपिंग हमारी ठुक गई है, और ये रूटर रख करके आपको ऐसे चेक कर लेना है कि इसके बराबर हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, आपका जो ये जब आप बैरिंग लगाते हैं, बैरिंग पूरी ठोकी है कि नहीं, इसका निशानी यही है कि ये आपके इसके बराबर में आना चाहिए। ये जो रोटर का बीच वाला हिस्सा है, ये अंदर से भी आपको वहीं पे, क्योंकि ये इसकी स्टैंपिंग जो है बीच वाली हिस्सा है, ये देखिए ये जो स्टैंपिंग है, इसके अंदर रूटर के अंदर भी एक स्टैंपिंग होती है जो किनारे किनारे ये गोल गोल है, तो इसके बराबर में आना चाहिए आपका ये जो हिस्सा है स्टैंपिंग का, इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पंखे की स्पीड में फर्क पड़ जाएगा और किसी और पंखे का रूटर आप किसी और पंखे में फिट करेंगे तो वो सही से फिट नहीं होगा और उसकी स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो जिसका स्पेयर पार्ट्स मतलब जिसका है उसी के अंदर आप लगाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आप जब पंखा इस तरह से फिट करेंगे, क्योंकि बैरिंग आप चेंज कर रहे हैं, तो इसका करंट जरूर आपको इसकी बॉडी शॉर्ट हो गया है कि नहीं हो गया, इसको भी आप साथ ही साथ जरूर चेक करते रहें, ठीक है। पर चलिए पहले इसके हम बॉक्स को आप बंद कर लेंगे नॉर्मली जैसे हमें करना चाहिए। और तीनों पेचों को हमें इसमें कस लेना है। और टाइट करते समय एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, आपको सबको बराबर बराबर कसना है, नहीं कि एक नहीं कि एक को हमने पूरा टाइट कर दिया और एक को ऐसे लूज छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबको बराबर बराबर इसको टाइट करना है। ये टाइट हो गया है, लेकिन अभी इसको हल्का सा इसको सेट करने के लिए आप इस तरह से हल्का चोट मार लें इसमें। देखिए अभी ये अटक रहा है कहीं ना कहीं, तो इसको कोई ना कोई दिक्कत है, इसको दोबारा खोल करके रूटर को हम पलट लेंगे। देखिए ये रूटर हमने अभी इस तरह से लगा हुआ था और अब हम इसको इस तरह से पलट करके इसको लगाएंगे इसमें। और दोबारा से इसकी फिटिंग कर लेंगे, पेंचों को लगाएंगे वापस। दोस्तों जब आप लोग ये फिटिंग करते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें, बैरिंग तो चेंज कर ही रहे हैं, साथ में आप लोग ये देखा करो कि ये जो नीचे की ये जो हिस्सा है, ये कहीं कटा हुआ तो नहीं है। इस तरह से आप हाथ फेर के देखो, पूरा बराबर ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीट कटी हुई होगी, सापट की जो सीट है, अगर ये कटी हुई होगी तो भी आपके पंखे में आवाज गम बंद नहीं होगी अगर आप बैरिंग चेंज कर देंगे तो भी। कई बार बैरिंग चेंज नहीं करने की जरूरत होती है, बैरिंग सही होता है फिर भी लोग बैरिंग चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी आवाज नहीं बंद होती है। उसका कारण यही होता है, ये सापट कटी हुई होती है। सापट अगर कटी हुई होगी तो बार बार वो लगेगा रूटर के अंदर, रूटर के अंदर लगेगा तो कोई फायदा नहीं है आपके बैरिंग चेंज करने का। अगर यहाँ पे सापट कटी हुई है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, तो उसको कैसे ठीक करते हैं, इसके ऊपर हल्का हल्का कट मार लेना होता है हमें, या तो छेनी से या तो किसी रेती वगैरह से, आरी से मतलब रेती से, ठीक है। तो इसको अभी तो इसका ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई इस तरह की मेहनत नहीं करने वाले हैं, तो ये बराबर है। और चलिए इसको फिट कर लेते हैं नॉर्मली, पेचों को लगाएंगे दोबारा से, क्योंकि हमने रूटर इसका चेंज किया है, बदला है दूसरे साइड से, ये जाम हो रहा था एक तरफ से, ठीक है। तो इस तरह की परेशानियां फिट करते समय आप ये देखें, एक वीडियो के अंदर किसी ने साफ साफ कर दिया, देखो जी हमने तो इस तरह से फिट कर दिया, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, तो ये सब बिल्कुल ही मत मानिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से भी काम करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है तसल्ली बख्श वाला काम, इस तरह से सीखा जाता है। एक वीडियो से आप कोई भी काम सीख नहीं सकते हैं, आपको सैकड़ों वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे मेरी वीडियो के अंदर आप लोग दोस्तों देखेंगे, एक चीज़ आपको अलग मिलेगा कि जैसे आप किसी दुकान पर जाकर के काम सीखते हैं, वैसे ही आप हमारी वीडियो के अंदर देख करके सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, बस जो फालतू की जैसे कोई गाड़ी आ गई, कोई आवाज़ आ गया तो उसी को मैं कट कर देता हूँ, बाकी और कोई एडिटिंग नहीं होती है, ठीक है। कि मैंने कोई जुगाड़ बता दिया और मैंने पहले कर दिया और उसके बाद आपको बताया कि ये देखिए अब ये सही हो गया, ऐसा नहीं बताते। देखिए दोस्तों वो बात खत्म हुई, अब बताते हैं। देखिए अब इसकी बैरिंग हमने चेंज कर दी है, इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, और ये अच्छे से घूम रहा है, बैरिंग इसकी चेंज हो गई है। अब इसका हम कनेक्शन चेंज करेंगे और कनेक्शन करने से पहले दोस्तों हम इसके अर्थ को जरूर चेक करेंगे, इसके शॉर्ट की नहीं है कहीं, बॉडी शॉर्ट तो नहीं है ये, तो इसको हम जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इसका पेपर प्लास्टिक का है और प्लास्टिक का पेपर जानते ही हैं आप, पिछली दो पंखों के अंदर क्या हुआ है, कहीं इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो इसकी कंटिन्यूटी बोल रही है बकायदा जैसे बोल रही थी, और इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। फाइनली इस बॉडी के साथ में बॉडी शॉर्ट नहीं है, यानी कि ये पंखे का कनेक्शन कर देंगे तो ज़्यादा नहीं तो कुछ दिन तक तो चली जाएगा, ठीक है। तो इसका कंडेंसर चेंज करेंगे, कंडेंसर चेंज करने से पहले दोस्तों इसको चेक कर लेना चाहिए एक बार कि ये सही है कि नहीं। ये लगता है सही है तो, लेकिन ये आप देखेंगे कस्टमर ने इसके अंदर पंखे में 3.25 का कंडेंसर लगा रखा है, आप देखिए ये 3.25 का कंडेंसर इसके पे लगा हुआ है इस पे,
ठीक है, 3.15। तो ये कंडेंसर लगाने से पंखा ज़्यादा हीट होता है हमारा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है लेकिन पंखा जो है हीट हो जाता है। तो हम इसको नहीं लगाएंगे अगर ये सही है तो भी, ठीक है, इसको रखेंगे साइड में और इसके अंदर 2.5 का कंडेंसर लगाएंगे हम। और 2.5 का कंडेंसर ही आप लोग लगाया करो, इस तरह के जितने भी पंखे होते हैं सबके अंदर 2.5 का ही कंडेंसर लगाना चाहिए। जो भी भाई अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए लगाते हैं ना, तो उसका पंखा हीट होता है, पेपर झड़ते हैं अंदर ही अंदर, और वो पंखा एक दिन हीट होता है, इतना हीट हो जाएगा कि आपका वो फूक जाएगा। जो आपका 2 साल चलना चाहिए वो 6 महीने के अंदर उसका सत्यानाश हो जाएगा उस पंखे का। तो फ्रेंड्स, इस पंखे में हम 2.5 MFD का कंडेंसर हम लगाने वाले हैं, टिपकॉन कंपनी का है ये। और इसी कंपनी का जो है कि वैसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका, पर ये सही होता है चलने के अंदर, ठीक है। तो इसका हमारा पता चला था कि हमारा ये जो ग्रीन वाला है ये कॉमन है, और ये रेड वाला हमारा ये कंडेंसर पे जाएगा, और ब्लैक वाला भी कंडेंसर पे जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा। कॉमन का पता हमने पिछली वीडियो में लगा लिया था, कॉमन होगा कि उल्टा चल रहा है सीधा चल रहा है। तो आपको एक काम करना है कि आपको इस तरह से लगा लेना है, देखिए ऐसे लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये किधर इसका कनेक्शन किया जाएगा, कौन से पे मेन जाएगी दोनों। एक मेन तो हमारी इस पे चली जाएगी और एक मेन हमारी ये ब्लैक वाले पे जाएगी, ठीक है, इस ब्लैक वाले पे जाएगी। क्योंकि ये जब ये ऊपर वाला हिस्सा इधर को घूमेगा तभी नीचे वाला आपका इधर को जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। अभी हमारा पंखा दोस्तों कंप्लीट हो गया है, बैरिंग चेंज हो गई है, इसके कनेक्शन को हम यहाँ पे फिट कर लेंगे, ब्लैक वाले को हम ऊपर लगाएंगे। अभी मैं इसको कनेक्शन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा। हमें जो हमारा जो ग्रीन वाला था जो कि कॉमन था, उसके अंदर हमें मेन देना था, उसको हमने नीचे लगाया है। ब्लैक वाला जिसके हमारा पंखा इस तरह से उल्टा मतलब ऊपर से उल्टा चलेगा तब जाके नीचे से इस तरह से चलेगा ये, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमने नीचे लगा लिया है और इसको हमने ऊपर लगा लिया है, ठीक है। तो और बीच वाला जिसमें हमारा कंडेंसर को हमें बंद करना है वो हमने बीच में लगा रखा है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा सिंपली। तो दोस्तों हमारे फाइनली हमारा ये पंखा ठीक हो गया है। अब इसके अंदर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि इसको डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो कैसे चलेगा ये। इस तरह से पंखे को उठा लेंगे और आपको भी ऐसे चेक करना है। देखिए अब ये पंखा की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। ये सीरीज में ही चेक कर रहे हैं हम, कोई भी चीज़ को आपको सीरीज में ही चेक करना है। और फाइनल करने से पहले आपको इसका बॉडी शॉट भी जरूर चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसके पॉइंट के ऊपर लगा करके आप यहाँ पे बॉडी शॉट इसको तीनों पॉइंटों पे चेक कर लीजिए, लगा के बारी बारी से, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये पंखा अब कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर कि आपने जाना कि किस तरह से पंखे की बैरिंग को चेंज करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, और कैसे हम उसको किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बैरिंग चेंज करने के दौरान। बैरिंग चेंज करते समय आपको बैरिंग के साथ साथ आपको कंडेंसर को भी चेंज कर देना होता है। अगर आप कंडेंसर को चेंज नहीं करेंगे तो आपको उसकी स्पीड पूरी नहीं मिलेगी, और स्पीड पूरी नहीं मिलेगी इससे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका 3.25 का कंडेंसर उसके अंदर लगा दीजिए या 4 का कंडेंसर लगा दीजिए आप सोच करके कि भाई इसकी स्पीड 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए। ऐसा नहीं होगा, आपका पंखा फूक जाएगा। इसलिए पंखे के अंदर कभी भी आप कंडेंसर लगाते हैं, कभी चेंज करते हैं, तो उसके अंदर पहले से कंपनी लगा के देती है 2 पॉइंट का, और नहीं तो 2.25 का देती है। आपको जो कंडेंसर लगाना है वो 2.5 से ज्यादा नहीं लगाना है, 2.50, ठीक है, या 2.5 का कंडेंसर लगाना है, उससे बड़ा कंडेंसर आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये सब जाना, आपकी बातें क्लियर हो गए होंगे अगर आपके मन में होगा ये सब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके।